हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैं एक लांचू का प्लांट है, ये देखिए गमले में लांचू का है, ये हाइब्रिड वाला लांचू है और ये देसी लांचू है, ये देखिए। तो इनकी आज मैं पूरी कटिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर हम कटिंग अभी नहीं करेंगे तो इसमें क्या हुआ है, ये मतलब एक ही पास एकदम गुच्छे में रखे रखे ना, इनमें फंगस लग रह सकता है और इनकी पत्तियां ना इस तरह से देखिए गिर रही हैं। और ये फूल हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये देखिए इस तरह से सूख गई हैं। तो इसमें तो बिल्कुल अभी सूखी नहीं है, देखिए सूख भी गई है, कहीं कहीं से फिर से ये पौधे और फूल देने भी लगे हैं, और ये देखिए कुछ सूख भी गई हैं, ये देखिए। तो इनमें से अगर हम नहीं हटाएंगे तो क्या हो रहा है, इन दिनों मिलीबग अटैक ज़्यादा ही कर रहा है और गुड़हल के प्लांट में तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये होता है कि एक प्लांट में अगर मिली बग हो रहा है तो हो सकता है दूसरे प्लांट में भी हो जाए। और इसकी पत्तियां ना ये देखिए इतनी घनी घनी है, इसमें ना हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, और नई नई पत्तियां भी निकलने लगी हैं, देखिए ग्रीन ग्रीन सब, ये जितनी भी है ना ग्रीन, ये नीली नई पत्तियाँ हैं। तो आज मैं इसे पूरा कट कर दूंगी, और कट करने के बाद इसकी पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा हटा दूंगी। पत्तियां हटने के बाद क्या होगा, ये नई अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेंगी और ये विंटर में आते आते ये प्लांट और ज़्यादा घना हो जाएगा और ये फ्लावरिंग और अच्छा से करेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। देखिए ये तो मैं कटिंग से लगाई हुई थी, इसी में से ये कटिंग पर लगाई थी, ये देखिए। और एक ऐसे और था तो वो मैं किसी को दे दी हूँ। और ये देखिए कटिंग से लगाई थी, इसमें भी फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और बाकी के तो सब अपने आप ये निकल गए हैं सूखने के बाद। और ये हाइब्रिड वाले में फिर से इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी, तो ये फ्लावरिंग होते जा रहे, पर कोशिश मैं यही करूँगी जितनी भी सूखी है ये सब हटा दूँगी। इसकी देखिए पत्तियाँ जो घनी घनी बहुत ज़्यादा हो गई, ख़राब हो गई है, तो इसमें फंगस लग सकता है और फंगस लगने की वजह से हो सकता है ये प्लांट ख़राब हो जाए। तो ये मैं इसीलिए इसे आज साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं हटा देती हूँ इसे, काफ़ी ज़्यादा गहरे में नहीं जा रही हूँ, नीचे से ऊपर ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। और ये देखिए मकड़ी इसमें और जाले, अगर हम ये पत्तियाँ नहीं हटाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए जाले लग रहे हैं, ये देखिए इसमें जाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और ये ना हम अभी कट कर देंगे, इसके बाद में ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ से नई ग्रोथ ना फिर से स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से ना नई ग्रोथ बिल्कुल स्टार्ट भी हो गई है। और ये देखिए इस तरह से ना पीली पत्तियाँ हो गई हैं, ये देखिए ऐसे देखिए बिल्कुल पीली पत्तियाँ हो गई हैं, देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से फंगस लगी हुई पत्तियाँ हो गई। तो अगर हम इसे भी नहीं निकालेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लांट को और ज़्यादा ख़राब कर देगा, और इसी पे ना ज़्यादातर मिलीबग का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम ये भी वाली पत्तियाँ निकाल देंगे, ये देखिए इसमें है। और ये टूट भी बड़ी आसानी से जाती है, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए ये मिलीबग देखिए इस पे बैठा हुआ है, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद है ना वाइट कलर का, ये देखिए इस तरह से मिलीबग ना जाके छुप कर बैठते हैं, बिल्कुल ये पत्तियाँ इसकी घनी होती है तो बिल्कुल ये अंदर ही बैठते हैं उसका, ये देखिए। और इस तरह से हमारे अंदर ही अंदर ये इतने लग जाते हैं कि हम हटा भी नहीं पाते उसे, और हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए इसमें से तो मैंने सफाई कर दी है बिल्कुल,
ये देखिए इसमें से साफ़ कर दी हूँ बिल्कुल। और इसमें काफ़ी ज़रा ना बीच में जैसे जाले भी लगे थे, ये देखिए मैं जाले दिखाती हूँ, देखिए ऐसे जाले लगे हैं। तो ये ना अगर हम हटाएंगे ना तो ये मिली बग जाके इसी के ऊपर चिपक जाते हैं। हटा दी तो ये देखिए ये देसी वाले जितने भी थे ये मैंने साफ़ कर दिए हैं सब। तो ये देखिए दोस्तों ये सब पूरा मैं साफ़ कर चुकी हूँ, बिल्कुल क्लीन कर दी हूँ। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ भी हटा दी हूँ, ये देखिए इतना सारा इसमें कचरा निकला है। ये जितने सूखे फूल थे, अच्छे फूल थे ना, वो भी हटा दी हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लालच करेंगे कि फूल इसमें आ रहे फूल आ रहे तो क्या हो रहा था कि इसकी मतलब ग्रोथ भी आगे नहीं बढ़ती और ये वहीं का वहीं रुका रह जाता प्लांट। और हमें अच्छी अगर मतलब फूल लेना है तो अगले साल विंटर के लिए तो हमें इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए जितने भी थे ना सारे मैंने हटा दिए हैं, इस वाले क्लांचो देसी वाले के भी हटाए हैं और ये देसी वाले के भी। और हटाना तो बहुत ज़रूरी है, उसमें क्या होता है इसके बीच बीच ना कीड़ा बैठ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलीबग हो जाता है, जाल बन जाती है, मकड़ी की जाल बन जाती है मकड़ी। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान हटा, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, तो इस तरह से। और अंदर से देखिए कटिंग नहीं हुई थी लेकिन अंदर से ये देखिए हरी हरी सारी नई ब्रांचेस निकल भी आई हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्रांच है नई नई सब निकल भी आई। अब इसे हम कट कर दिए हैं, अब इसे मैं खाद और पानी थोड़ा थोड़ा दे देंगे, थोड़ा खाद भी दे दूँगी वर्मी कंपोस्ट और दे दूँगी, उसके बाद ये आराम से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता रहेगा। और आने वाले विंटर में मुझे लगता है शायद इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़रा घना हो गया है अंदर ना, बिल्कुल मिट्टी दिखे, ज़मीन भी नहीं दिख रही है कहीं से ना, ज़मीन दिख ही नहीं रही, इसकी मिट्टी कहाँ है कहाँ नहीं है नहीं दिख रही है। तो हो सकता है मैं दूसरे गमले में भी इसे चेंज करूँ लगाऊँगी और कटिंग से, और कटिंग से नहीं बहुत आसानी से लग जाता है। तो जून से मैं इसे जून जुलाई से आप बरसात जब आती है ना तब लगा सकते हैं कटिंग से, और बहुत आसानी से लग जाता है, बिल्कुल कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, बिना केयर के ही इसमें फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिनके पास ये प्लांट आपको अगर मिल जाए तो आप ज़रूर लगाएं इसे, बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। तो अब इसमें मैं पानी दे देती हूँ और इसमें मैं इसमें से ही निकाल के ना ये दूसरे वाले से इसमें लगाई थी, देखिए ये भी पूरा भर गया है, इसी में इसी साल लगाई थी इसी ठंडी में ही, और देखिए ये भी भरा हुआ है पूरा। तो एक बार हम प्लांट ये ले लेंगे ना फिर इतना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि गमला भरते ही रहते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों बताना ज़रूर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।